पिछले हफ्ते एग्री कमोडिटीज में क्या रुझान रहा और आने वाले हफ्तों में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत चने से ही करते हैं। चने में हमने देखा कि 5230 के आसपास जो अक्टूबर वायदा है वो क्लोज देने में कामयाब हुआ है और पिछले काफ़ी हफ्तों से हम यही देख रहे हैं कि प्राइजेस एक दायरे में है 5050 से लेके 5350 के बीच। और जो मैंने पहले भी कहा है कि एवरेज बेसिस 5200 के आसपास ही प्राइसेस ट्रेड करेंगी, यानी अगर ऊपरी स्तरों के करीब जाती हैं तो वहाँ से हमें विकवाली हावी होते हुए दिखेगी। एट द सेम टाइम 5050 के करीब अगर जाए तो वहाँ से तेज़ी दोबारा देखने मिल सकती है। तो यही रुख हमें देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं एवरेज जो प्राइसेस हैं वो 5200 के आसपास ही ट्रेड कर रही हैं पिछले काफ़ी हफ्तों से। यही रुख आगे भी रहेगा, हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 5300 तक प्राइसेस जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर के लेवल्स पे टिकेंगे और वहाँ से दोबारा हो सकता है कि 5200 की तरफ रुख करें। तो शॉर्ट टर्म बेसिस 5200 से 5300 का एक दायरा चने में बन सकता है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो 5900 के आसपास की क्लोजिंग दी है और एक लोअर रेंज में रिलेटिवली हमने ट्रेड होते हुए देखा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं अभी कि 5700 के नीचे जो प्राइसेस हैं वो जा नहीं पा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने मिल सकता है, जहां पर 6100 से 6150 तक अक्टूबर फ्यूचर्स हमें दिखाई दे सकता है। तो सोयाबीन में फिलहाल ऐसा लगता है डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड नज़र आ रहा है और अपसाइड मूव आने की संभावना बनी हुई है। वहीं मस्टर्ड में भी हम देखें तो हमने देखा कि 8500 के इर्द गिर्द ही प्राइजेस जो हैं सपोर्ट ले रही हैं। 8400 से 8500 की रेंज में एक सपोर्ट जोन देखने मिल रही है। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में एक बार ऊपर की तरफ प्राइजेस रुक कर सकती हैं 8650 से 8700 तक। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बाइंग ऑन डिप्स की संभावना है और यही रिकमेंडेशन होगी। वहीं CPO में भी हमने 1100 के स्तर से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी, 1130 का क्लोजिंग आया है। ऐसा लगता है कि ये जो रिकवरी है ये आगे भी जारी रहेगी। अगले दो हफ्तों में हमें 1155 से 1160 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं, यानी जो दायरा पिछले एक डेढ़ महीने से बना हुआ है 1100 से 1160 का, उसके ऊपरी छोर को जो प्राइजेज हैं वो छू सकती हैं। तो फिलहाल 1155 से 60 तक के लेवल हमें आने वाले दो हफ्तों में दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर कैस्टर सीड की बात करें तो हमने देखा कि कैस्टर सीड भी 5900 के स्तर से रिकवर होकर 6200 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है और मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग जो है आगे जारी रहेगी। 6400 से 6450 की जोन हम आगे देख पाएंगे। तो बाइंग ऑन डिप्स की सलाह होगी कैस्टर सीड में। 6050 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके आसपास अगर प्राइस मिले तो डेफिनेटली एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और 6400 से 450 का एक टारगेट लेके चला जा सकता है। उसी प्रकार हम बिनौला खल में भी देख रहे हैं कि जो पिछले कुछ हफ्तों में मैंने 2300 के स्तर की बात की थी वो लास्ट वीक हमने टेस्ट होते हुए देखा, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हमने आते हुए देखी है 2500 तक। और ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस बिनौला खल बॉटम आउट हो चुका है और 2300 से ज़्यादा नीचे अभी दाम नहीं फिसलेंगे। अपसाइड में 2700 से 2750 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई दे सकती है। तो मैं हल्की सी भी डिप अगर आए 2440 या 2450 के करीब तो वहाँ पर मैं बाइंग के रिकमेंडेशन दूंगा अपसाइड में 2700 से 750 के लक्ष्य के लिए। वहीं M6 कॉटन में भी मुझे लगता है कि एक बॉटम आउट का पैटर्न बन चुका है और अपसाइड की तरफ दोबारा रुक कर सकती हैं प्राइसेस। काफ़ी शानदार रिकवरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 26,000 के ऊपर के दाम हम देख रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दो हफ्तों में हमें 27,500 से 28,000 तक के लेवल भी M6 कॉटन में देखने मिलेंगे। तो मैं कॉटन सीड ऑयल केक और M6 कॉटन दोनों में ही तेज़ी में रहना प्रेफर करूँगा। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 5700 के करीब हमने काफ़ी कंसोलिडेटेड होते हुए देखा है। ग्वार सीड को 5950 के करीब की क्लोजिंग आई है। ऐसा लगता है कि दोबारा तेज़ी की तरफ रुक कर सकती है प्राइसेस। 6200 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य लेके चला सकता है और 6200 के अगर ऊपर चलने लगेंगे प्राइस तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमें 6600 तक भी देखने मिल सकती है। वहीं ग्वार गम में भी मुझे लगता नहीं है कि 9000 के नीचे फिलहाल दाम स्लिप होंगे। तो 9000 का एक पोजिशनल सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट 9500 का है। तो वहाँ 9500 के करीब अगर प्राइसेस मिलें तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इमीडिएट लक्ष्य जो होगा वो 10400 का होगा और उसके बाद लगभग 10800 तक भी प्राइसेस मीडियम टर्म में यानी अगले 2 से 3 हफ्तों में जा सकती हैं। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि हमें फिलहाल धनिया में जो लेवल है 7000
800 के करीब के वो टिकते हुए नज़र आ रहे हैं, 7600 का एक सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड करेगा तब तक मुझे लगता है कि दोबारा आने वाले 2 से 3 हफ्तों में 8200 तक के दाम हमें धनिया में देखने मिल सकते हैं। तो मसाला कॉम्प्लेक्स में धनिया में बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो इन समरी देखा जाए तो जिस भी काउंटर में पिछले 3 या 4 हफ्तों से करेक्शन आ रही है, मोर और लेस ऐसा लगता है कि सपोर्ट बाजार ले चुका है और करंट लेवल से एक बार एक रिकवरी की संभावना बनी हुई है। तो ये था एक जायजा कि एग्री कमोडिटीज़ में जो मेजर कमोडिटीज़ है उसमें आने वाले हफ्तों में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।